आठ से दस लाख रुपए के कंप्यूटर और प्रिंटर और बहुत सारा सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर अपने गरीब समाज के बच्चों के लिए यहाँ पर लगाया था। किस तरह से जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के इस इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया है जिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, और वो भी लोग सुन ले जहां से जो वाल्मीकि जाति के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो हरामखोर उल्टा सीधा लिखते हैं पोस्टों पे, उनको भी दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव काम क्या था वो हम लोग कर रहे हैं। तुम लोग अपने घर में बैठ के 10-10 दिन में तुम्हारी फेसबुक पर 4-4 कमेंट आते हैं और तुम लोग बहुत बड़े समाज सेवी बनते हो। समाज का काम करने के लिए जिगर चाहिए जिगर, और वो बहुत कम लोगों में होता है। कुछ लोग मानने और काशीराम पे प्रतिक्रिया करते हैं, उनको ये नहीं पता काशीराम था क्या, उसने क्या कर दिया इस देश में। आज जन जन के अंदर एक राजनीतिक भावना पैदा कर दी, वो था काशीराम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों साथियों, ये जो कोचिंग सेंटर है, महर्षि वाल्मीकि रविदास अंबेडकर विद्यापीठ है, MVR अंबेडकर विद्यापीठ, इसमें जो कमज़ोर हमारे समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है साथियों, UPSC और SSC की क्लास का। लॉकडाउन की वजह से ये हमारा कार्यालय बंद था, इसमें पहले भी एक बार चोरी हुई थी और अभी हमने खोल के देखा, कुछ यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों को फ़ोन आए कि यहाँ कुछ लोग घुसे हुए थे, तो अभी भी यहाँ पर एक चोरी हुई है। अभी आपको दिखाएंगे हम लोग किस तरह से, अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ अंदर जा रहे हैं इसके इंस्टीट्यूट के। ये अभी खोला था गेट हमने, और जो लोग मेरी फेसबुक पोस्टों पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले ही हमने सृष्टि रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान की स्टैचू लगाई हुई है, और महर्षि वाल्मीकि भगवान के नाम से ही स्टार्ट है विद्यापीठ का नाम। और इधर हमने साथ में ही रविदास महाराज की स्टैचू लगाई हुई है, जो कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये हमने अपनी विधानसभा में मंत्री रहते इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। साथियों ये देखिए, आप ये देख सकते हो, बौद्धिस्त विश्व रत्न भारत रत्न ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर महर्षि वाल्मीकि रविदास अंबेडकर विद्यापीठ का हमने इनॉग्रेशन किया था, जिसमें जो शूद्र समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अच्छी कोचिंग के लिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है। साथियों अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे की घटना, यहाँ पर मेरे को साथियों ये हॉल था यहाँ पर एक, इसमें यहाँ AC लगा हुआ था, ये दीवार कूद के आए जिन लोगों ने भी किया, पहले AC उतारा यहाँ से, फिर यहाँ पर टेबलें थी, कंप्यूटर्स थे, वो सारे कंप्यूटर चोरी हो गए, यहाँ पंखे लगे थे दीवार पे चारों तरफ, ये देख भी लगा आप लोग, ये पॉइंट बने हुए हैं, ये पंखे लगे हुए थे चारों तरफ, ये उखाड़ के ले गए, ये छत जो है ना, इसकी जो सीलिंग है फोर सीलिंग, ये दिखाना दिख रही ना, हाँ दिख रही, ये उखाड़ दी, इसके अंदर घुसे हुए, ये फिर अंदर हमारा दफ्तर आपको दिखाता हूँ, ये पूरा हाल दिखाना था जिस वाइट का, ये यहाँ पर मैं बैठता हूँ, बहुत सारे फोटो लगाना नहीं है आपको, ये देखिए इस दफ्तर का भी क्या हाल किया, यहाँ पर भी लैपटॉप वगैरह सब था, कंप्यूटर था, यहाँ पर CCTV कैमरे के पूरे पॉइंट लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे, वो यहाँ LED था वो भी उतार के ले गए, पूरा सिस्टम CCTV कैमरे का वो भी उतार करके ले गए, यहाँ AC था, ये AC भी निकाल करके ले गए, और ये देख लो आप क्या हाल बना रखा है यहाँ पर, ये पंखे उनके सब खोल के ले गए। अभी इधर से दिखाओ, इस रूम में भी
ये देखिए आप लाइट ब्राउन, पंखे का छिड़ गया वो। इस रूम में भी आप देखिए छतरी फाड़ रखी, यहां पर भी कंप्यूटर्स थे, चेयर्स थी, वो भी उठा के ले गए। और दिखाते हैं आपको, इस रूम में भी काफी सामान था बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वो भी सारा उठा करके ले गए। इधर भी सारा उठा करके ले गए। आगे ये गाड़ी है हमारी इनोवा, पंखे, ये पंखे ऊपर के जितने पंखे थे सारे देख लो, फिटिंग भी पाड़ रखी है सारी की सारी, ये भी उतार लगे। आगे से दिखाते हैं आपको, उधर से जाओ इसमें, ये गाड़ी का भी दिखाओ क्या होता है। ये गाड़ी है शीशा तोड़ के, ये हमारी गाड़ी है इनोवा, इसका शीशा तोड़ करके इसके सारे लॉक खराब कर दिए और ये पूरी ज्यादा गाड़ी को डैमेज कर दिया, अंदर से खराब कर दी, सारा सिस्टम वगैरह उखाड़ के ले गए। और ये देखिए फ्रिज उनसे शायद नहीं उठा होगा या जो भी है, इधर आपको दिखाते हैं। इस हॉल में भी पंखे थे सारे में, ये सारे पंखे उतार लिए, यहाँ पर टेबल थी, कुर्सियां थी, लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, वो भी सारे उठा लिए। यहाँ बच्चों को कोचिंग क्लास दी जाती थी, ये और दिखाते हैं आपको। जहाँ बच्चों के लिए जो चाय चूहे जो भी बनाते थे वो सारा सारा उठा के ले गए। ये फ्रिज यहाँ रखा रहता था सामने, अंदर था, ये चोरी करने के लिए बाहर रखा हुआ था, वो किसी ने देख लिया तो लोग भाग गए थे फिर बाहर। ये इधर ये देखो, ये सारा पानी की मोटर थी ये तोड़ ले गए, ये सारा का सारा वाटर कूलर वगैरह सब जो ने लॉकडाउन का फायदा उठा गए इन लोगों ने, ये किया ये देखिए गाड़ी का टायर, ये पूरी गाड़ी का भ्रष्ट कर दिया उन्होंने सारा काम। ये सारा का नुकसान कम से कम 8 से 10 लाख रुपए के कंप्यूटर और प्रिंटर और बहुत सारा सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर अपने गरीब समाज के बच्चों के लिए यहाँ पर लगाया था। किस तरह से जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के इस इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया है जिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, और वो भी लोग सुन ले जहाँ से जो वाल्मीकि जाति के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो हराम खोर उल्टा सीधा लिखते हैं पोस्टों पर, उनको भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव काम क्या था वो हम लोग कर रहे हैं। तुम लोग अपने घर में बैठ के 10-10 दिन में तुम्हारी फेसबुक पर 4-4 कमेंट आते हैं और तुम लोग बहुत बड़े समाज सेवी बनते हो। समाज का काम करने के लिए जिगर चाहिए जिगर, और वो बहुत कम लोगों में होता है। कुछ लोग मान्य और काशीराम पे प्रतिक्रिया करते हैं, उनको ये नहीं पता काशीराम था क्या, उसने क्या कर दिया इस देश में। आज जन जन के अंदर एक राजनीतिक भावना पैदा कर दी, वो था काशीराम। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हमारे कार्यालय में चोरी हुई है, सारा सामान 8 से 10 लाख का सामान यहाँ से चोरी हुआ है, मेरी गाड़ी तोड़ दी गई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आप लोगों ने ये सारा मंजर देख लिया है, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। अगर आप लोग वाकई में ही जो लोग दान देते हैं, चाहे बाम सेफ को देते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी को देते हैं या किसी भी संगठन को देते हैं, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे संस्थानों को दान दीजिए जहां पर अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है, शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ, बहुत सारी इन्होंने ये फोटो को भी तोड़ने का काम किया था। ज्योतिबा फुले की फोटो लगी ऊपर, ये तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इन लोगों ने ये हमारा पूरा बहुजन मूवमेंट का एक तरह से कार्यालय है। ये आप देख रहे हैं ऊपर हमारे यहाँ जो 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 फोटो लगी हुई है, ये आप सारे महापुरुषों की देख सकते हैं। और जो महापुरुष थे समाज के, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, ना कि उनकी टांग खींचने का काम किया। ये हमारे जो कोचिंग सेंटर है, इनके अंदर की एंट्रेंस की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हो। सम्राट अशोक, सभी महापुरुष, ये ज्योतिबा फुले, सारे सभी लोगों की तस्वीरें हैं। आपने देखा ये इंस्टीट्यूट जानबूझ करके टारगेट किया गया कुछ मनवादी लोगों के द्वारा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो साजिश है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। केजरीवाल ने भी बार बार नोटिस देता है हमें कि बंद करो, बंद करो, बंद करो। पता नहीं इनको पढ़े लिखे लोगों से क्या दिक्कत है, ये लोग क्या चाहते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा साथियों आज, कि आप लोगों से निवेदन करता हूँ, समाज के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, और हमें 1 रुपया या 10 रुपये से चंदा भी दे, ताकि हम दोबारा इस संस्थान को स्टेब्लिश कर सकें अच्छे से। कोरोना महामारी से निकलने के बाद इस कोचिंग सेंटर को हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक नाम हो, महर्षि वाल्मीकि रविदास अम्बेडकर विद्यापीठ का, एक यहाँ से विचारधारा लेकर के स्टूडेंट जाएं और वो आके समाज में काम करें। तो जो भी लोग हमें चंदा देना चाहते हैं, और मैं खुल के मांग रहा हूँ आज आप लोगों से, मैं मांग रहा हूँ आप लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं चंदा मांगते हैं लोग, मैं सीरियसली मांग रहा हूँ आप लोगों से, इस अच्छे काम के लिए जो हमें 10 रुपये दे सकता 10 रुपये दे, जो 100 रुपये दे सकता 100 रुपये दे, जो 1000 रुपये दे सकता 1000 रुपये दे। जो भी साथी अगर चाहते हैं ये संस्थान दोबारा खड़ा हो, हम तो जैसे तैसे करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर आप लोग महामारी में, कोरोना में इतना ज़्यादा चंदा दे सकते हैं हमारे समाज के लोग, तो ये जो सामाजिक कोरोना बीमारी है, जो इस देश में छुआछूत की बीमारी है, धर्म और जाति की बीमारी है, इसको दूर करने के लिए जो एजुकेशन एक अच्छा माध्यम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मूवमेंट में चंदा दें। मैं आप लोगों से अपना खुद का बैंक अकाउंट भी शेयर करूँगा, पेटीएम अकाउंट भी शेयर करूँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये मेरा नंबर है, 8588333312, इस पर पेटीएम अकाउंट है। जो लोग पेटीएम करना चाहते हैं वो इस पर चंदा दे सकते हैं, और जिन लोगों को अकाउंट चाहिए वो मैं अकाउंट भी शेयर करूँगा अपना फेसबुक पे, और आप लोगों को हिसाब भी देंगे 1-1 रुपये का कि कहाँ से हमने क्या खरीदा। तो उम्मीद है आप लोग इस मुहिम में हमारी मदद करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय माननीय साहब कांशीराम, सभी संत महापुरुषों की जय हो, जय हो बाबा साहब अम्बेडकर। राशन का सामान भी सब ले गए उठा के, हाँ यहाँ पर बच्चों का भाई ने भी याद दिला, हम लोग राशन वितरित कर रहे थे, हमने यहाँ पर राशन का पूरा एक ये गोडाउन सा बना रखा था, वो सारे लोगों में बांटते थे रोज की रोज। हमारी टीम के बहुत सारे लोग हमारे हरियाणा में भी साहब कांशीराम ब्रिगेड के साथी लगे हुए हैं, राजस्थान में भी लगे हुए हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली में काम करते, वो भी सारा उठा लेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी जिसकी मानसिकता रही हो, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस संस्थान को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सभी भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग, सभी रविदास महाराज को मानने वाले लोग, सभी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, सारे लोग आपसे निवेदन है कि एक समृद्ध और सुदृढ़ समाज का अगर निर्माण करना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो हमें एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। गुरु वाल्मीकि भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे, बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे, महात्माओं बड़े बड़े रहबरों के रास्ते में चलना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।